कभी कभी कोई चीज स्वाद में अच्छी नहीं होती है, पर उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लाजवाब होती है, जिसका फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। नमस्ते, मैं अपराजिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं एक जूस लेकर आई हूँ जो कि विटामिन ए, सी और आयरन से भरपूर है ही, साथ ही साथ इसमें ढेर सारा फाइबर भी है। अपने रोज के खान पान में जो भी इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के अंदर जाती है उन्हें क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, तो ये जूस आपके शरीर से सारे इम्प्योरिटीज को निकालकर उसे शुद्ध करेगा और साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी और हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा। तो चलिए आज इस मैजिक ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। इस जूस को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो मैंने यहाँ पे लेकर के रखा है। 4 से 5 पत्ती पालक की मैंने ली है, और 1 गाजर, और 1 एप्पल, और 1 बीटरूट यहाँ पे मैंने लिया है, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, और 1 चम्मच हमें नींबू का रस चाहिए होगा। तो एप्पल इसमें से मैं आधा ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ 1 ग्लास जूस अभी बनाना है। और बीट को मैं, अगर आप चाहें तो इसे अनार से भी रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आपको बीटरूट का टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप इसके बदले में अनार भी यूज कर सकते हैं। और आप इन सब की मात्रा अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, बस पालक थोड़ा कम ही रखना है हमें। जो भी इन सब की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन पालक को मैक्सिमम 10 पत्ती से ज़्यादा नहीं रखना है। और लेमन जूस जैसे आप 1 चम्मच के अलावा अगर ज़्यादा बना रही हैं तो उसमें 2 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इन सबको छील करके अच्छे से साफ करके रख लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने सारे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को कट करके रख लिया है, और एप्पल के ये 4 ही पीस मैंने लिए हैं क्योंकि मुझे 1 ही ग्लास यहाँ पर जूस बनाना है। तो आप इसे चाहें तो जूसर में भी इसका जूस निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका पल्प भी चाहिए, इस वजह से मैं इसे मिक्सी में पहले बारीक ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर इसका जूस स्ट्रेनर से छान करके निकाल लूँगी। मैंने मिक्सी में इसे सबको एक साथ डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 ग्लास पानी ताकि ये अच्छे तरीके से बारीक पिस जाए। उसके बाद मैं इसका कवर लगा करके और इसे ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद हम इसे किसी मोटी छन्नी से अच्छे तरीके से छान लेंगे, और मोटी छन्नी से इसलिए क्योंकि इसका पल्प भी हमें थोड़ा सा चाहिए ताकि इसकी जो गुडनेस है वो भी हमें मिले, और साथ ही साथ जो इसका पल्प है वो हमारे बॉडी को प्यूरिफाई करने का काम करेगा। तो ये मैजिक ड्रिंक है, इसे आप खुद भी, बच्चे को भी, किसी को भी दे सकते हैं, और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और विंटर्स में मिलने वाली इन सारी चीज़ों का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम वीक में 3 दिन ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, और फिर आप इसका फ़ायदा खुद ब खुद देखेंगे। तो इस तरह से पहले इसे हमें छान लेना है अच्छे तरीके से, चम्मच की सहायता से इस तरह से दबा करके मैं इसका जूस निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पे पल्प बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसे चम्मच से दबा लेने के बाद जूस इसके अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। आप इसके स्वाद पर ना जाएं, लेकिन हाँ ये बहुत ही फायदेमंद होता है, और इसमें हमें ना तो शुगर ना तो सॉल्ट किसी भी तरह का कोई भी और एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड नहीं करना है, बस इसमें हमें लेमन जूस ऐड करना है। और आप पीने के बाद खुद में अपने आप में जो परिवर्तन देखेंगे ये आपको पूरे दिन तक एनर्जेटिक रखेगा, और साथ ही साथ जो हेमोग्लोबिन की कमी होती है महिलाओं में उसे भी ये पूरा करता है, और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद ड्रिंक है। तो मेरी ये सलाह है कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन ये जूस बना करके जरूर पिए। और ये जो पल्प इस तरह से बचता है, आप इसे अपने हाथ और पैर पर स्क्रब भी कर सकते हैं, ये स्क्रबर का भी काम करेगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस।
तो ये थी मेरी आज की विंटर स्पेशल डिटॉक्सिफाइंग जूस की रेसिपी। अपने खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां जो आजकल बहुतायत से हो रही हैं उससे बच सकते हैं, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।